हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है झारखंड सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही की बहाली होने वाली है 10 जनवरी 2019 से। तो क्या खबर निकला है, झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ऐलान किया है आज ही के अखबार में। तो चलिए क्या खबर निकला है पूरा डिटेल में देख लेंगे, सिपाही का बहाली कब होगा और शिक्षक का बहाली कब होगा। तो ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं कि कब अप्लाई होगा और किस तरह से इसका प्रक्रिया रखा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट में जो बताया जा रहा है, जनवरी में रघुवर सरकार करेगी बम्पर नियुक्तियाँ, 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही होंगे बहाल। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट निकाला गया है अखबार में, और जागरण न्यूज़ में ये अपडेट छापा गया है। आप चाहे तो जागरण न्यूज़ में देख सकते हैं 4 दिसंबर 2018 के अखबार में, और यहाँ पर रघुवर सरकार की तरफ से अपडेट निकाला गया है जिसमें 17,000 सिपाही का बहाली और 25,000 शिक्षक का बहाली जनवरी महीना में होगा। जनवरी 2019 में इसका बहाली का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए क्या खबर निकला है झारखंड के सीएम रघुवर दास की तरफ से, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर जो अपडेट में बताया जा रहा है, रघुवर सरकार इसी माह 42,000 से ज़्यादा नियुक्ति को अंजाम देगी। इसमें लगभग 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही शामिल है। तो 42,000 पद पर बहाली यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिसमें 25,000 शिक्षक का बहाली होगा और 17,000 सिपाही का बहाली इसमें शामिल है। यह सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, सारी प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। दास ने कहा है कि नक्सलवाद का असल कारण बेरोजगारी और विकास का नहीं होना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने इसका अनाउंसमेंट करा है और बता रहे हैं दिसंबर महीना में इसका पूरा काम हो जाएगा और जनवरी से इसका बहाली का प्रक्रिया अपडेट जारी कर दिया जाएगा। उग्रवाद संगठन 3,000 रुपया हर माह देकर युवक को बंदूक थमा रहे हैं। प्राथमिक व उच्च विद्यालय के शिक्षकों की बहाली चालू महीने में होगी। शिक्षक बहाली से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित है, संभावना है कि 10 जनवरी तक इसमें कुछ फैसला आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 जनवरी तक इन सभी फैसलों में इसका जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन कि बहाली आएगा या नहीं आएगा। तो पूरा अपडेट 10 जनवरी को बताया जा रहा है, इसका डेट जो है 10 जनवरी दिया गया है। इसके बाद जल्द ही बहाल के लिए इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा, साथ ही 17,000 सिपाही की बहाली होगी। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा, बहाली की प्रक्रिया जनवरी महीना से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कई विभागों में कर्मचारी की कमी है, सभी विभागों में सूची मांगी गई है। इसके बाद रिक्त पद के लिए बहाली निकाली जाएगी, बिना मानव संसाधन विकास संभव नहीं है। कर्मी की कमी की वजह से काम में दिक्कत आ रही है, कहा है कि बदलाव के लिए वक्त चाहिए, उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। तो यहाँ पर झारखंड के सीएम रघुवर दास बोल रहे हैं कि बदलाव करने के लिए वक्त का कमी है, वक्त चाहिए, उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत ये बहाली ले लिया जाए। तो इसका अभी डिपार्टमेंट में भेजा गया इश्तिहार, और वहाँ पर सर्वे होगा कि कितना डिपार्टमेंट में कितना जगह खाली है, फिर वहाँ से रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जनवरी महीना तक इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्शन में सरकार। जमशेदपुर में बोले सीएम, रोजगार से खत्म होगा नक्सलवाद, बदलाव के लिए चाहिए वक्त, मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। तो झारखंड के सीएम रघुवर दास बोल रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए, तभी मैं सभी लोगों को, बेरोजगारों जितने भी हैं यहाँ पे, सबको बहाली दूंगा, उसके लिए समय चाहिए। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने कुछ और बात भी करी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, CNT SPT से छेड़छाड़ नहीं। रघुवर दास ने स्पष्ट कहा है कि पुराने भूमि कानून में छेड़छाड़ का सरकार का कोई इरादा नहीं है। CNT SPT एक्ट के कोई बदलाव नहीं करेगी। आदिवासी व स्थानीय लोगों के हित में बनाए गए किसी भी कानून में छेड़छाड़ नहीं होगा।
तो आदिवासी के हित में जो कानून बनाया गया है उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जो आरक्षण उनको मिल रहा है वो आरक्षण उनको मिलता रहेगा। तो यही छोटा सा अपडेट निकाला गया झारखंड के सीएम रघुवर दास की तरफ से, और इसमें यह अपडेट बताया जा रहा है कि 25,000 शिक्षक का बहाली होगा और 17,000 सिपाही का बहाली होगा, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा कि यह बहाली आएगा या नहीं आएगा। तो आएगा कि नहीं आएगा अब ये वक्त ही बताएगा। अगर आप इस बहाली को अप्लाई करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल के सारे वीडियो रोजाना देखते रहे। तो जैसे ही ये बहाली आएगा हम उसका वीडियो सबसे पहले अपने चैनल में अपलोड करेंगे। तो यही छोटा सा अपडेट निकाला गया झारखंड के सीएम रघुवर दास की तरफ से। तो आज के शूट में इतना ही अपडेट दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो क्या लगता है आपको, ये बहाली जनवरी तक आएगा या नहीं आएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।